जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में अपने गांवों को राष्ट्र विरोधी तत्वों से बचाने के लिए पुरुषों के अलावा महिला वीडीजी को भी हथियारों से लैस किया जा रहा है और किसी भी तरह की विपरीत परिस्थिति में आगे आने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। फायदा यह है कि हमें अपना गांव सुरक्षित है और जो हमें ये हॉट फायर के लिए प्रैक्टिस फायर के लिए आए हैं तो इससे भी बहुत फायदा है, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सर कब से आपने ज्वाइन किए हैं वीडीसी? और ये सर 2006 से। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी आपको वीडीसी? सर तब टेररिस्ट बहुत थे इधर, मतलब काफ़ी टेररिस्ट थे तब, तो हमें अपनी सुरक्षा उसके लिए ये गन दी गई थी, दी गई थी। तो आज यहाँ पे क्या कर रहे थे? आज सर प्रैक्टिस फायर के लिए आए थे यहाँ पे, जो हम मतलब बीच बीच में कभी भी आते, जब भी बुलाओ होता तो हम आ जाते हैं। कितना फ़ायदा मिलता है इस चीज़ से? फ़ायदा सर बहुत है, इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है सर। ये नहीं है कि हम ऐसे आए ऐसे चले गए, कुछ हमें जो भी है डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है सर। बता दें कि जम्मू कश्मीर के लिए वीडीजी ग्राम रक्षा गार्ड यानी विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 को सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद डोडा में रह रहे लोग इससे जुड़ते चले गए। यहाँ पर लगभग 250 महिला वीडीजी सदस्य अभी किसी भी प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधि से लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में वीडीजी सदस्यों को फायरिंग और राष्ट्र विरोधियों से लड़ने की अन्य रणनीति का प्रशिक्षण दिया जाता है और साथ ही महिला वीडीजी सदस्य प्रशिक्षण में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। इन वीडीजी सदस्यों को फायर एरिया डोमिनेशन और गश्त का प्रशिक्षण दिया जाता है। पुलिस ने डोडा, भद्रवाह और गंदोह में फायरिंग रेंज स्थापित किया है, जहां इन वीडीजी सदस्यों को प्रशिक्षण और फायरिंग का अभ्यास कराया जा रहा है। ये सभी वीडीजी सदस्य खुद की रक्षा करते हुए राष्ट्र विरोधी तत्वों पर नजर रखने में पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की मदद कर रही है। ऐसे में महिलाएं भी अपने गांवों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।